सवाल लिखेंगे, सोमवार मंगलवार तथा बुधवार, सोमवार मंगलवार तथा बुधवार का औसत तापमान, सोमवार मंगलवार तथा बुधवार का औसत तापमान 45 डिग्री सेल्सियस था। डिजिटल बोर्ड लगवाने वाले हैं तुम्हारे लिए, हमें डिजिटल बोर्ड लगने वाला है तुम्हारे लिए, फिर क्वेश्चन बोलने की भी टेंशन खत्म। मंगलवार बुधवार तथा बृहस्पतिवार, मंगलवार बुधवार तथा बृहस्पतिवार लिख लो, ये दोबारा से बोल रहा हूं, पहले सोमवार मंगलवार बुधवार था, दिमाग को थोड़ा सा एक्टिव कर लो। मंगलवार बुधवार तथा बृहस्पतिवार का औसत तापमान 42 डिग्री सेल्सियस था। यदि सोमवार का तापमान, यदि सोमवार का तापमान 49 डिग्री सेल्सियस रहा हो, सोमवार का तापमान 49 डिग्री सेल्सियस रहा हो तो बृहस्पतिवार का तापमान ज्ञात कीजिए। And find out the temperature of Thursday. हो गया भाई हर्ष? देखो क्वेश्चन कह रहा है कि मंडे प्लस ट्यूजडे प्लस है जी शायद 40 ही आंसर। मंडे ट्यूजडे और वेडनेसडे का एवरेज टेम्परेचर कितना है? 45। तो टोटल कितना रहा होगा? 135 रहा होगा कि नहीं? मैंने बताया था औसत दे रखा है तो योग निकाल लेना। उसके बाद कह रहा है ट्यूजडे वेडनेसडे और थर्सडे का औसत तापमान कितना है? 42। तो 126 क्यों भैया? यही आएगा, 42 दिया 126 ही तो होते हैं। देखो जी 42 का पहाड़ा नहीं आया, माइनस कर लो। जब आप माइनस करोगे तो देखो ये ट्यूजडे से ट्यूजडे खत्म, वेडनेसडे से वेडनेसडे खत्म, तो यहां पे केवल क्या बचेगा? मंडे माइनस थर्सडे। और जब हम इसे माइनस करेंगे तो 135 में से 126 घटाओगे कितना बचेगा? 9 ही तो बचेगा। तो मंडे माइनस थर्सडे का टेम्परेचर कितना है? 9। आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि मंडे का टेम्परेचर कितना है? 49। अगर मैं 49 में से माइनस कर दूं थर्सडे तो आंसर कितना आना चाहिए? 9 आना चाहिए। यही तो कहना चाह रहा है कि अगर मैं 49 में से थर्सडे का टेम्परेचर माइनस कर दूं तो आंसर 9 आना चाहिए। ठीक है, अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? थर्सडे की। तो ये थर्सडे इधर आ जाएगा तो ये माइनस की चीज प्लस में हो जाएगी, ये 9 इधर जाएगा तो प्लस की चीज माइनस में हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि थर्सडे इक्वल टू 49 माइनस 9 इक्वल टू कितना आ जाएगा? 40। एक तो देखो तरीका ये है जो सबसे बढ़िया वाला है, दूसरा क्या कर, ये तो शॉर्ट वाला तरीका है, बड़ा तरीका क्या होगा कि आपने देखो मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे का टेम्परेचर कितना निकाल लिया? 135। आपको पता है मंडे का टेम्परेचर कितना है? 49। अगर मैं इस 135 में से 49 माइनस कर दूंगा तो किसका बचेगा? ट्यूजडे और वेडनेसडे का। ठीक है भाई, जो भी नंबर आएगा वो बच के किसका आएगा? ट्यूजडे और वेडनेसडे का। फिर उस नंबर को अगर मैं इसमें से माइनस कर देता हूं तो किसका आएगा? थर्सडे का आ जाएगा कि भाई इसमें से इसे माइनस कर दो। भाई 135 में से 49 जाएगा कितना बचेगा? 84, 86, 86 बचेगा। अब 86 इसमें से घटा दो, मेरे ख्याल से 40 ही आना चाहिए। कैसे आएगा? 6 में से 6 जाएगा 0 और 12 में से 8 जाएगा 4। तो इसे ऐसे भी कर सकते थे, मतलब ये तो है इसका सिंपल तरीका। ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाएगा कि भाई तीनों का अलग अलग काउंट कर लिया, पहले मंडे का माइनस कर दिया, फिर जो बचेगा उसे इसमें से माइनस कर दिया, तो हमारा थर्सडे वाला बच जाएगा। क्वेश्चन लिखो, 30 छात्रों की 30 स्टूडेंट्स की औसत ऊंचाई
165 सेंटीमीटर है। 30 छात्रों की औसत ऊंचाई 165 सेंटीमीटर है। किसी दिन राम श्याम और मोहन कक्षा में गैर हाजिर रहे। जिससे औसत ऊंचाई 164 सेंटीमीटर हो गई। जिससे औसत ऊंचाई 164 सेंटीमीटर हो गई। यदि राम और श्याम की ऊंचाई बराबर हो और दोनों मोहन से 3 सेंटीमीटर छोटे हों और दोनों मोहन से 3 सेंटीमीटर छोटे हों तो तीनों की अलग अलग ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो क्वेश्चन में कहा है कि क्लास के कितने स्टूडेंट हैं टोटल 30, जिनका औसत कितना है, तो योग कितना होगा 4950। एक दिन कक्षा से 3 लोग गायब हो जाते हैं तो कक्षा में कितने लोग बचेंगे 27, जिनका औसत कितना रह जाता है 164। योग कितना आ रहा है 4428। यहां तक किसी को डाउट? यहां से 3 लोग निकल के गए थे जो कौन कौन है, राम श्याम और मोहन, जिनका टोटल कितना आ रहा है 522। यही आ रहा है क्योंकि 10 में से 2 जाएंगे 8, 4 में से 2 जाएगा 2, 9 में से 4 जाएगा 5 और 4 में से 4 जाएंगे 0। मतलब राम श्याम और मोहन तीनों के क्या है, भार है, क्या है, वजन दे रखा है क्या, ऊंचाई। तो तीनों की ऊंचाइयों का जो योग है वो 522 सेंटीमीटर है, क्योंकि सेंटीमीटर में ही होगा शायद, ठीक है। कि राम श्याम और मोहन तीनों की ऊंचाई का जो योग है वो कितना है 522 सेंटीमीटर है। अब उसने एक कंडीशन और कह दी कि भाई राम और श्याम दोनों की जो लंबाई है वो बराबर है और दोनों ही मोहन से 3-3 सेंटीमीटर छोटे हैं। तो अगर हम कहें कि भाई एक राम है, एक श्याम है और एक मोहन है, तो हमने मान लिया भाई मोहन x सेंटीमीटर का है, ठीक है। तो श्याम कितने का होगा x-3 का और राम कितने का होगा x-3 का, क्यों, क्योंकि ये दोनों तो इक्वल हैं, ठीक है। और इन तीनों की लंबाइयों का जो सम है वो कितना है 522 है, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। भाई तीनों की अगर हम लंबाइयों को जोड़ देते हैं तो नंबर कितना आता है 522 आता है। अब जोड़ लो x कितने हैं 3x और 3 कितने हैं, लेकिन किसके हैं, माइनस के हैं, ठीक है। बराबर किसके हैं 522 के, ये 6 इधर आएगा प्लस हो जाएगा, तो 3x बराबर किसके 528 के, भाई 22 और 6 28 हो जाएंगे, तो x बराबर किसके होगा 3 एकम 3, बचा कितना 2, 3 7 21, बचा कितना 1 3 6, तो x की वैल्यू क्या आ गई 176। और x क्या माना था, मोहन की ऊंचाई, क्योंकि मोहन की ऊंचाई कितनी मानी थी x, और x की वैल्यू कितनी आ गई 176। श्याम कितना है x-3, अब x कितना है 176, माइनस 3 करोगे तो कितना बचेगा 173। और कौन है राम, राम भी कितना है, क्योंकि राम और श्याम तो दोनों बराबर हैं, 173 आएगा। बताओ इस क्वेश्चन में क्या नया था, एक खिलाड़ी 8 पारियों में कुछ रन बनाता है, नौवीं पारी में
एक खिलाड़ी 8 पारियों में कुछ रन बनाता है, हमें नहीं पता कितने थे, ठीक है। 9वीं पारी में उसने 60 रन बनाए, और औसत रन संख्या में 2 की वृद्धि कर ली, औसत रन संख्या में 2 की वृद्धि कर ली, कराऊंगा ना मैंने कहा था बहुत सारे क्वेश्चन में कराऊंगा। तो बताइए 9 पारियों के बाद उसका औसत रन कितना था, तो बताइए 9 पारियों के बाद उसका औसत रन कितना था। बहुत आसान है, एक लाइन का सवाल है, इतनी बढ़िया ट्रिक है इसकी। हमने मान लिया कि भाई उसके औसत रन जो थे वो एक्स थे, 8 पारियों तक, मान लो ऐसे लिख लो इसे, 8 पारियों तक औसत कितना है, एक्स है। अब देखो पारी कितनी है, 8, औसत कितना है, एक्स। तो भाई 8 पारियों का योग कितना होगा, कितना होगा, 8x, ठीक है। 9वीं पारी में रन कितने बनाए उसने, 60 बनाए, और औसत में कितने की वृद्धि करी। अगर हमें 9 पारी में औसत निकालना हो उसका, तो कितना हो जाएगा, x प्लस 2 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि भाई 8 पारियों तक कितना था, x था। 9वीं पारी में उसने औसत में कितने की वृद्धि कर दी, 2 की। अगर 9 पारी का योग निकालना हो, भाई किससे गुना हो जाएगी, 9 से हो जाएगी, या वैसे यहां नहीं करते हैं, स्टेप सी करते हैं कि x प्लस 2 इंटू 9, यही तो आएगा। तो ये कितना बन जाएगा कि 9x प्लस 18, ठीक है। अब एक बात बताओ मुझे, 9वीं पारी में योग कितना है, 9x प्लस 18। अगर मैं ये कह दूं कि भाई 8वीं पारियों में योग कितना है, तो अगर मैं ये कह दूं 8x प्लस 60 बराबर 9x प्लस 18, क्या ये गलत होगा। अगर मैं इस क्वेश्चन को इस तरीके से लिख दूं कि 8x प्लस 60 बराबर 9x प्लस 18, है क्या ये, भाई 8 पारियों तक योग कितना था, 8x, 9वीं पारी में रन कितने बनाए, 60, तो 8x प्लस 60, ये कौन सी कितनी पारियां आ गई, 9 पारियां आ गई, और ये भी क्या है, 9 पारियों का योग है कि भाई 9x प्लस। अब देखो इस 8x को इधर ले आओ और ये 18 उधर चला जाएगा, तो 9x में से 8x गए x, और 60 में से 18 गए 42, भाई 42 और 8 50 और 10 60, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, कितनी आ गई, 42। हमसे क्या पूछा है, अब देखो हमने x क्या माना था, 8 पारियों तक औसत, मतलब 8वीं पारी तक उस व्यक्ति का औसत कितना था, x था, लेकिन हमसे कौन सा पूछा है, 9वीं पारी का, कितना है 9वीं पारी का औसत, x प्लस 2 यानी कि 42 प्लस 2 यानी कि 44, ये क्या हो जाएगा हमारा, ये तो है देखो इसका ट्रेडिशनल, ठीक है। अब इसे शॉर्ट में कैसे कर सकते हो तुम, इसकी शॉर्ट ट्रिक बहुत बेहतरीन है। क्वेश्चन कैसे है कि 8वीं पारी तक औसत क्या है, हमने मान लिया उसका औसत कुछ भी रहा था, ठीक है। 9वीं पारी में रन कितने बनाए, 60, औसत वृद्धि कितनी है, औसत में वृद्धि कितनी है, औसत में वृद्धि कितने की है, 2 की। अब देखो यहां पे ना 2 केस बनेंगे तुम्हारे, एक बनेगा वृद्धि का और एक बनेगा कमी का। जब औसत में वृद्धि होगी, हमेशा 60 में से क्या करोगे, माइनस, उल्टा करना है इसमें, जब कमी होगी तो 60 में से क्या करोगे, प्लस। तो वृद्धि है
तो माइनस और कमी है तो प्लस। कैसे करना है? ऐसे ही नहीं करना डायरेक्टली, कभी डायरेक्टली कर दो। जब तुम्हें नौवीं पारी निकालनी हो तो इस आठवीं पारी की गुना करना औसत से और इसमें माइनस कर देना, आठ दूनी सोलह, ठीक है? तो आंसर कितना आ जाएगा? चवालीस। जब तुमसे पूछ ले आठवीं पारी में बताओ तो इसकी गुना करना औसत में और रनों में से माइनस कर देना, ठीक है? दोबारा से बताता हूं मैं भाई, आठवीं पारी में उसके कुछ भी रन थे हमें नहीं पता, नौवीं पारी में उसने कितने रन बनाए? साठ। औसत में वृद्धि कितने की है? दो की, ठीक है? इसकी करनी है गुना और इसमें कर देना है माइनस। कब वृद्धि है? जब सपोज करो यही कमी होती तो यहां तक का प्रोसेस तो सेम है, उसके बाद जब कमी थी तो उसमें क्या कर देते हम? प्लस कर देते। अगर हमसे पूछी है नौवीं पारी तो उल्टी गुना करनी है, मतलब आठवीं की करनी है। अगर पूछा होता आठवीं पारी तो गुना करते नौवीं की। जैसे सपोज करो इसी क्वेश्चन में पूछता कि बताइए आठवीं पारी तक उसका औसत कितना था, तो हम क्या करते? नौ दूनी अठारह और साठ में से माइनस कर देते, तो आंसर कितना आ जाता? ये आ जाता, ठीक है? तो आना ये भी चाहिए पर करना ऐसे है। अभी क्वेश्चन और भी करेंगे, ये नहीं है कि एक ही क्वेश्चन करेंगे हम। चार क्रमिक सम संख्याओं का औसत, चार क्रमिक, क्रमिक होता है कंसेक्यूटिव मतलब लगातार, चार क्रमिक सम संख्याओं का औसत नौ है, उनमें सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। एक और क्वेश्चन लिखेंगे, चार पांच तीन चार लाइन छोड़ के। चार क्रमागत सम संख्याओं का औसत पंद्रह है, उनमें दूसरी सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, उनमें दूसरी सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। कैसे करेंगे? देखो हमेशा इसमें बच्चे बहुत गलती करते हैं, क्वेश्चन की जो लैंग्वेज आती है वो तीन तरीके से आती है। पहली लैंग्वेज होगी कि पांच क्रमागत संख्याओं संख्याएं, ठीक है? वैसे तो ये नंबर सिस्टम का पार्ट है लेकिन मैं बता देता हूं तुम्हें क्योंकि यूज होता है इसमें। या तो कहेगा वो पांच क्रमागत संख्याएं मतलब फाइव कंसेक्यूटिव नंबर्स, ठीक है? या फिर सेकंड वाले में लैंग्वेज देगा पांच, मतलब संख्या कितनी भी हो सकती है। मैं तो एक एग्जांपल ले रहा हूं पांच का, वो संख्या कितनी भी हो सकती है, आपको ध्यान देना इन पे। पांच क्रमागत सम संख्याएं, ठीक है? मतलब फाइव कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स। और थर्ड नंबर क्या आएगा आपके सामने, थर्ड लैंग्वेज आएगी पांच क्रमागत क्या आएगा, विषम संख्याएं। अब मुझे हर्ष बताएगा कि इसमें क्या क्या नंबर आने चाहिए, पहले में क्या क्या आना चाहिए, नहीं इसमें बताओ ना पहले। नहीं, पांच क्रमागत संख्याएं मुझे नहीं पता कौन सी पांच है। अब वो एक दो तीन चार पांच भी हो सकते हैं, पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस भी हो सकते हैं, बाईस तेईस चौबीस पच्चीस भी हो सकते हैं। अब यहां क्या लिखूं, एक्स दूसरी क्या होगी, एक्स प्लस वन तीसरी क्या होगी, तीसरी चौथी क्या होगी और पांचवी क्या होगी। जब आपको संख्याएं नहीं बताऊं तो पहली एक्स मान लो, ठीक है? पांच क्रमागत संख्याएं हो गई, इसमें क्या आएंगी, पांच क्रमागत सम संख्याएं में पहली एक्स, दूसरी क्या आएगी एक्स, ये बताएगा पहले एक्स प्लस दो, दूसरी कौन सी होगी एक्स प्लस फोर, चौथी कौन सी होगी एक्स प्लस छह, और चौथी पांचवी कौन सी होगी एक्स प्लस आठ। अब इसमें बताओ पहली एक्स, दूसरी एक्स प्लस तीन, तीसरी एक्स प्लस पांच, एक्स प्लस सात, और ये कौन सी
एक्स प्लस नो। हाँ जी गर्व जी, ठीक है बिल्कुल सही लिखा हुआ है, तुम भी बताओ तीनों चीजें सही लिखी हुई हैं या कोई सी गलत है? एक्स प्लस वन आना चाहिए वैसे तो कायदे में, भाई आपके सामने एक्स है तो पहली विषम संख्या कौन सी होती है? वन भी तो होती है, तो यहाँ पे एक्स प्लस कितना? अच्छा वो एक्स हो गया है, नहीं यहाँ कितना आया था? तीन आएगा, यहाँ वन आना चाहिए। तुमने भी बीएससी खो दी अपनी है जी। देखो ये एक्चुअल में होता क्या है, एक्स तो एक क्या है, अचर है, अचर नहीं है चर है, ठीक है, कॉन्स्टेंट वैल्यू है, मतलब अंग्रेजी में हिंदी का नहीं पता, कॉन्स्टेंट वैल्यू के हमें नहीं पता कि वो एग्जैक्टली कितना है, लेकिन एक कॉन्स्टेंट हमने क्या ले लिया एक्स, वो इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। इसे ध्यान से समझना, देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं आपको। उसके बाद जब आएगी क्रमागत संख्या, अब एक बात बताओ क्रमागत संख्याएं कौन सी होती है? यही तो रहेंगी, मतलब आपको क्या देखना है, भाई मैंने मान लिया पहली x थी, अब मैं इस x की जगह हटा के अगर मैं एक रख दूं तो दूसरी क्या होगी? दो होगी। दोनों में अंतर कितने का? एक का। यहां भी दोनों में अंतर कितने का? भाई एक का ही तो है, क्योंकि ये x है, इसमें एक एक्स्ट्रा हो गया तो वन हो गया। इसमें और इसमें अंतर कितना है? एक का ही है, क्योंकि ये एक है, ये दो हो गई, ये तीन हो गई, ये चार हो गई। अब उसके बाद ये तो तुम्हारा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, गलती इसमें करते हैं बच्चे जो तुम लोगों ने भी कर रखी है। क्या गलती कर रखी है कि पांच क्रमागत सम संख्याएं, आपने पहली x ले ली, मैंने पहली संख्या ले ली दो, ठीक है, दूसरी क्या है कि x प्लस दो, मतलब दो मान लो ये x दो है तो दो में दो जोड़ा चार, चार में सॉरी दो में चार जोड़ोगे छ, किसमें जुड़ेगा? चार में दो जोड़ोगे फिर छह आ गया ना, छह में दो जोड़ोगे आठ और आठ में दो जोड़ोगे दस, मतलब सबका अंतर सेम चल रहा है। अब क्यों चल रहा है? क्योंकि आपको पता है दो क्रमागत सम संख्याओं के बीच में अंतर कितना होता है? दो होता है, यहां भी दो है, यहां भी दो है, यहां भी दो है, यहां भी दो है, ठीक है, आगे चलोगे तब भी दो ही रहेगा। अब जब बात आएगी विषम संख्याओं की, यहां बच्चे गलती कर लेते हैं, वो दिमाग में क्या रहता है, वो विषम संख्या रहती है, लेकिन आपको पता है एक्स यहाँ पे कोई संख्या नहीं थी। अब अगर मैं एक्स को कितना रखूं? वन रख लूं, ठीक है, तो नेक्स्ट संख्या कौन सी है? एक्स प्लस तीन, तो कौन सी आएगी? चार आनी चाहिए फिर तो। फिर कौन सी है कि एक्स प्लस पांच, यानी कि मैं कह सकता हूं कि कितनी आएगी? छह आएगी फिर, भाई एक्स प्लस पांच तो यही होगा ना कि एक और पांच छह, फिर कितनी आएगी? एक और सात आठ, फिर कितनी आएगी? एक और नौ दस, मतलब छ आठ दस। क्या ये सीरीज विषम संख्या की बन गई? नहीं बनी। क्यों नहीं बनी? क्योंकि चाहे संख्या सम हो चाहे विषम हो, हमेशा अंतर दो का ही रहता है। जैसे पहली संख्या एक, दूसरी कितनी, फिर कितनी, फिर कितनी, यही तो चलता है। तो देखो यहां डिफरेंस कितना है? दो है। यहां भी डिफरेंस कितना है? दो है। यहां कितना है? सात, दो ग्यारह, तो सब में डिफरेंस कितना कितना आ रहा है? दो आ रहा है। तो ये जो आप लिखते हो ना कि x, x प्लस, बहुत से x प्लस वन, x प्लस थ्री, x प्लस फाइव भी करते हैं, वो गलत होता है। यहाँ पे जो सम और विषम संख्याएं लिखी जाएंगी ना, वो अंतर से लिखी जाती हैं। जब भी आप एक कॉन्स्टेंट वैल्यू लोगे ना, उसमें जो आप आगे बढ़ाओगे तो वो उनके डिफरेंस से बढ़ाते हो, हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। जैसे यहाँ सब में कितने का डिफरेंस होता है? वन वन का डिफरेंस होता है, तो आपने सब में वन वन का डिफरेंस कर दिया। यहाँ सब में दो दो का डिफरेंस होता है, तो देखो यहाँ तुमने सब में दो दो का डिफरेंस ले रखा, इन दोनों में दो का डिफरेंस है, इन दोनों में दो का डिफरेंस है, इन दोनों में दो का है, इन दोनों में भी दो का है, ठीक है। अब इनमें भी तो डिफरेंस दो का ही होता है, अगर पहली संख्या x होगी तो दूसरी संख्या कौन सी होगी? x प्लस दो, ठीक है। तीसरी संख्या कौन सी होगी? x प्लस फोर, x प्लस छह और x प्लस आठ, क्योंकि पांच ही चाहिए हमें। अब ये सीरीज सही है, क्यों? अगर मैं x को एक मानता हूं तो ये कितनी हो जाएगी? तीन। ये कितनी हो जाएगी? ये कितनी हो जाएगी, क्योंकि भाई छह और एक सात, ये कितनी हो जाएगी? नौ। आगे होता है x प्लस टेन, तो कितनी हो जाती? ग्यारह। तो सम और विषम को जब आप कॉन्स्टेंट वैल्यू से लिखोगे उसमें कोई चेंज नहीं आना चाहिए, गलती यहां हो जाती है कि विषम में सम संख्या क्यों लें, लेकिन ये हम अंतर लेते हैं, ये संख्याएं नहीं है,
ये तो x पे डिपेंड करेगा आगे संख्या कौन सी आएगी। तुम यहां 13 ले लो तब भी विषम की सीरीज चलेगी। कैसे? 13 और 2 15, 13 और 4 17, 13 और 6 19, 13 और 8 21। हमेशा ध्यान रखना और नोट कर लेना ये सीरीज ऐसी बनती है, कभी गलती नहीं करोगे। नहीं मैं तो फालतू की चीजें हटा रहा हूं। कि संख्याओं का क्रम कैसे निर्धारित करें, इसमें हेडिंग बना लेना इस तरीके संख्याओं का, हालांकि ये एवरेज का नहीं है देखो टॉपिक, कैसे निर्धारित होता है, ये बेसिक वाली चीजें हैं बिल्कुल। देखो क्वेश्चन में कहा है आपसे, क्या क्वेश्चन है, चार क्रमागत सम संख्याओं का औसत कितना है। तो भाई चार क्रमागत संख्याएं चाहिए तो पहली कौन सी, दूसरी कौन सी, तीसरी कौन सी, चौथी कौन सी, ठीक है चार हो गई, और सबका औसत कितना है, नौ है, तो योग कितना होगा, 36 होगा कि नहीं। या फिर अगर हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही चलें कि चार क्रमागत सम संख्याओं का जो औसत है वो कितना है, 9 है। अब यहां से देखो कैसे करते हैं, ऐसे ही तो सोल्व करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके, वो योग यहीं से तो आता है। अब इन्हें जोड़ लो सबको के x 2x 3x 4x प्लस 6 4 10 2 12 बटे 4 बराबर किसके है, 9 के। अब 9 बटे 1 करोगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 1 की गुणा करोगे कोई फर्क नहीं पड़ना, तो 4x प्लस 12 बराबर किसके, 36 के। ये 4x है 12 इधर आएगा माइनस हो जाएगा तो 4x बराबर किसके, 24 के। तो x बराबर कितना, 6। पूछा क्या है आपसे, सबसे बड़ी संख्या बताओ कितनी मानी थी, x प्लस 6, x कितना है 6, तो 6 प्लस 6 बराबर 12। ये हो गया आपका आंसर ट्रेडिशनल वे से, आपको कैसे करना है ठीक है। आपको दे रखी है कितनी संख्याएं हैं, चार हैं ये रही ठीक है। दो तरीके से क्वेश्चन आएगा कि या तो सम संख्याओं पे आएगा या विषम संख्याओं पे आएगा ठीक है। दूसरी बात कंडीशन क्या आएगी, जो पदों की संख्या होगी या तो वो सम होगी या विषम होगी, मतलब जब उसने कह रखा हो कि पांच क्रमागत सम संख्याओं का औसत इतना है तब तो हमारा क्वेश्चन बहुत आसान है। क्यों, क्योंकि जब वो इस तरीके से देगा ना कि पांच क्रमागत सम संख्याओं का औसत इतना है तो जो हमारा औसत होगा वो एग्जैक्ट बीच वाली संख्या आएगी। जैसे अगर क्वेश्चन आ जाए कि पांच क्रमागत सम संख्याओं का औसत 20 है ठीक है, क्वेश्चन कैसे दे देता कि पांच क्रमागत सम संख्याओं का औसत 20 है, सबसे बड़ी संख्या बताओ, मतलब डिपेंड करेगा क्या पूछ रहा है वो। चलो हमने मान लिया वो यही पूछ रहा है कि सबसे बड़ी संख्या बताओ। अब संख्याएं कितनी है, पांच, एक दो तीन चार पांच, हालांकि ये भी करने की जरूरत नहीं है आपको, जब आपको दे रखी है देखो सम संख्याएं और पदों की संख्या कितनी है, विषम है भाई। कंडीशन कौन सी है, इवन नंबर की है और पदों की संख्या कितनी है, विषम है, तो जो आपका औसत होगा वो एग्जैक्ट बीच वाली संख्या आएगी। यानी कि हमारी जो बीच वाली संख्या है वो कौन सी है, 20 है। अब तुमसे पूछ रहा है सबसे बड़ी संख्या बताओ, जितनी संख्याएं हैं उसमें से एक कम कर देना, कितना रह जाएगा और जोड़ दो इसमें। पूछ लेता सबसे छोटी संख्या बताओ तो 4 माइनस कर दो, कितना आ जाता, 16। अगर संख्याएं पूछी हैं तो वो पांचों संख्याएं ही आएंगी। अब समस्या आएगी कि जी हमें तो पांच दिया ही नहीं, हमें तो चार दे रखा है। अब चार संख्याओं का औसत कितना है, 9 है, आपको 9 ही है ना, यही तो था क्वेश्चन कि चार क्रमागत सम संख्याओं का औसत कितना है, 9 है। अब समस्या ये है कि 9 ना तो सम संख्या है ठीक है, तो हम उस बीच में भी नहीं रख सकते, लेकिन हम क्या कर देंगे इस 9 को सेंटर में रख देंगे, दो इधर छोड़ देंगे, दो इधर छोड़ देंगे। अब इसके बराबर बराबर वाली सम संख्याएं कौन सी, यही आई थी ना, यही तो आई थी कि सबसे छोटी संख्या कौन सी आई थी, 6। सबसे बड़ी संख्या कौन सी आई थी, तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। अगर तुम्हें
तीन संख्याएं मिल गई, सॉरी दो संख्याएं मिल गई, तो बीच की रखने में क्या दिक्कत है? अब तुमसे पूछ रहे हैं दूसरी छोटी संख्या कौन सी है, तो 10। दूसरी सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 8। या दूसरी सबसे बड़ी कौन सी है, जैसे सेकंड क्वेश्चन क्या है, चार क्रमागत सम संख्याओं का औसत कितना है, 15। अब आपको पता है कि 15 हमारी सम संख्या तो है नहीं, अब इस 9 का क्या होगा, 9 कट जाएगा, ठीक है। अब दो इधर आ जाएंगी, इसके दो इधर आ जाएंगी, ठीक है। आपसे पूछा है दूसरी सबसे बड़ी, देखो दूसरी सबसे बड़ी नहीं निकाल सकते आप। अब देखो 15 के बाद यहाँ कितना आएगा, 16, यहाँ कितना आएगा, अच्छा यहाँ तो डायरेक्टली निकल जाएगा कि भाई कौन सी है दूसरी सबसे बड़ी संख्या, 16 ही आ जाएगी। अगर सबसे बड़ी पूछी होती है तो 18, सबसे छोटी पूछी होती तो 12। यही आ रही होंगी तुमने अगर ट्रेडिशनल से सोल्व करा होगा। ये विषम पे भी आता है, तो विषम में सेम आएगा, विषम में भी सेम आएगा। विषम कैसे आएगा, ये अब फिर उल्टा हो जाएगा कि वो कहेगा चार क्रमागत विषम संख्याओं का औसत, नहीं पांच ही आएगा उसमें भी, कि पांच क्रमागत विषम संख्याओं का औसत, और संख्या कैसी आएगी, विषम आएगी। जब सम औसत सम आएगा तो वो यहाँ पे संख्या भी सम देगा, कि फिर वो दो दो छोड़ के हो जाएगी। जैसे सपोज करो यही क्वेश्चन होता है ये, कि चार क्रमागत विषम संख्याओं का औसत कितना है, या 20 ही रख लो, ठीक है, कि चार क्रमागत विषम संख्याओं का औसत कितना है, 20 है, संख्याएं बताओ। अब 20 क्या है, क्योंकि 20 तो एक इवन नंबर है, ठीक है, तो दो इधर दो इधर, तो कितनी आ जाएंगी, ये 19, ये 21, ये 23 और ये 17। अब चेक करके देख लो, शायद जब आप इसे सोल्व करोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो 20 ही आएगा। कैसे आएगा, कि 7 और 9 16, 16 और 1 17, 17 और 3 20 की 0, 2 और 2 4, 2 6 और 1 7 और 1 8, योग 80 आ गया। संख्याएं कितनी है, 4, औसत कितना आ गया। जब विषम पे आएगा कि भाई पांच क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 21 है, कि पांच क्रमागत विषम संख्याओं का औसत कितना है, 21 है, तो आपका जो औसत है वो सेंटर वाली संख्या आ जाएगी, यानी कि 21 क्या है, बीच की संख्या आ गई, दो इधर दो इधर, ठीक है। अब एक कम कर दो इसमें से, 21 में से एक, पांच में से एक घटाओगे चार, 21 में चार जोड़ोगे 25, 21 में चार घटाओगे 17, ये पांचों संख्याएं हैं, ठीक है। आप देख भी रहे होगे 17, 19, 21, क्या करते हैं मैंने, ये यहां 23 आएगा भाई, 23, 25, क्योंकि 25 से 21 के बाद तो 23 आएगी। आप चाहे तो कैलकुलेट करके देख लो, आंसर 21 ही आएगा। सम संख्याओं का औसत कितना है, बड़ी संख्या आएगी, चलो हम एक वैसी मान लेते हैं कि क्वेश्चन आ जाए भाई 25 क्रमागत कितनी, सम ले लेते हैं, सम संख्याओं का औसत 80 है, ठीक है, मान लिया हमने 80 आ जाता है, ठीक है, क्योंकि 80 से निकल जाएगा क्वेश्चन, कि 25 क्रमागत सम संख्याओं का। अब देखो यहां से केवल वो तुमसे तीन क्वेश्चन पूछेगा, या तो तुमसे पूछेगा सबसे बड़ी संख्या, या ज्यादा से ज्यादा करेगा तो पांच क्वेश्चन पूछ लेगा, सेम यही आएंगे, कि या तो सबसे बड़ी संख्या, या सबसे छोटी संख्या, या दूसरी सबसे बड़ी संख्या, दूसरी सबसे छोटी संख्या, या इन चारों संख्याओं में से ही पूछ लेगा तुमसे उनका गुणनफल, योग या अंतर। कह देगा कि बड़ी संख्या और छोटी संख्या का गुणनफल बताइए, क्वेश्चन पूछ लेगा बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अंतर बताइए, बड़ी संख्या और छोटी संख्या का योग बताइए। अब कैसे करेंगे हम इसमें, अब 25 तो बनाएंगे नहीं हम, हमें पता है 25 है और औसत कितना है 80, मतलब जो सेंटर वाली संख्या आएगी वो कौन सी आएगी, 80 आ जाएगी। 80 के 12 संख्याएं इधर और 12 संख्याएं इधर रहेंगी, 25 भी हमारे पास आ गई है। अब हमारे पास तो केवल या तो सबसे बड़ी या उससे छोटी, या सबसे छोटी या उससे बड़ी संख्या पूछेगा। मैंने बताया था तुरंत एक कम कर देना, 80 25 में से एक गया 24, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी, उससे छोटी कौन सी हो सकती है, 102। सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, 80 में से 24 घटा दो, 80 में से 20 गए 60, और 60 में से 4 गए 56, और 56 में 2 जोड़ोगे 58। अब तुमसे वो कुछ भी पूछ ले कि भाई पहली संख्या सबसे बड़ी संख्या बताओ, तो आंसर 104,
सबसे छोटी संख्या बताओ तो 56, सबसे बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अंतर बताओ तो माइनस कर देंगे, सेकंड सबसे बड़ी संख्या बताओ तो भी बता देंगे, सेकंड सबसे छोटी संख्या बताओ तो भी बता देंगे, तीसरा क्वेश्चन पूछेगा बड़ी संख्या और छोटी संख्या का गुणनफल बताओ तो आप 104 गुना 56 भी कर सकते। अब सपोज करो इसमें तुम्हें एक्स से करना पड़ जाए, कितना लेंथी सवाल है भाई, अगर यही सवाल मुझे एक्स से करना पड़ जाए तो कितना बड़ा सवाल है कि पहले तो एक्स से लेके 25 तक के संख्याएं ये इस तरीके का नंबर रखना पड़ेगा, फिर 80 को 25 से डिवाइड करूंगा 2000 बनेगा, ठीक है, फिर जोड़ घटा गुना करूंगा तब कहीं जाके आंसर आएगा। तो सबसे बेस्ट तरीका है इस तरीके से आप सोल्व करोगे कि अगर हमें कंडीशन देखो आपको कहां ध्यान रखनी है कि सम संख्याओं का औसत है और औसत भी क्या आ रहा है, सम आ रहा है और संख्याएं कितनी है 25 हैं, तो ध्यान रखना ये जो औसत है ये ठीक बीच वाली संख्या है। दूसरा इसमें केस क्या बनेगा कि ये संख्याएं आ जाएंगी 24 और ये औसत बदल जाएगा, कुछ भी बन सकता है 81, 82, 85, तब क्या करोगे इसे बीच में रख लोगे 85। वैसे तो इतने बड़े पे ऐसा क्वेश्चन नहीं बनेगा क्योंकि फिर इसे कैलकुलेट करना मुश्किल हो जाएगा, भाई 85 है कि बीच वाले से ही तो चलते हैं हम, अब 85 के बाद में हालांकि ये इधर 12 आ जाएंगी, इधर 12 आ जाएंगी, ठीक है, ये भी तो कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि जब वो विषम बनेगा तो ये सम बन जाएगा। अब ये यहाँ पे कितना आएगा 86, यहाँ पे कितना आएगा 84, ठीक है, लेकिन इसमें ये क्वेश्चन नहीं बनेगा, फिर इतना बड़ा नहीं बनेगा, वो 4-5 की संख्या रखेगा फिर, क्योंकि अब इसमें हम डायरेक्ट तो जोड़ नहीं सकते 11। हाँ इसमें ये कर सकते हैं कि जैसे यहां से अगर हम वो जोड़ते क्योंकि इसे हम माइनस भी नहीं कर सकते, हालांकि अगर मैं इसमें एक कम करूं तो कितना रह जाएगा ये 23 रहेगा ना, नहीं अब तो क्वेश्चन तो 24 से बनेगा ना ये वाला भाई, क्वेश्चन जो बनेगा इस तरीके का 24 से बनेगा क्योंकि ये भी सम आएंगी, ये भी सम आएगा, ये भी सम आएगा फिर। तो अब क्या कर सकते हैं हम डायरेक्ट इसमें नंबर जोड़ेंगे एक कम करके, जैसे 85 और 3 कितना हो जाएगा 88, 88 और 20 108, मतलब लास्ट वाली संख्या जो आएगी वो 108 आएगी। अब देख सकते हैं हम इसे चेक करके कि 108 यानी कि ये 24 भी है, यानी कि 12 चाहिए अब हमें, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12वीं संख्या कौन सी है 108, 11वीं कौन सी आएगी 106, 104, 102, 100, 96, सॉरी 98, 96, 94, 92, 90, 88, 86, इससे ऐसे करना पड़ेगा फिर ये, क्योंकि आप जब विषम संख्या में विषम संख्या को जोड़ोगे तो सम ही आएगी। हालांकि ऐसा क्वेश्चन मेरे सामने नहीं आया है एग्जैक्ट, आपको इस तरह के मिलेंगे या फिर मिलेगा तो वो विषम और सम वाली कंडीशन पे मिलेगा जो डायरेक्ट होगा आपका, नोट कर लेना इन्हें, वैसे तो मैंने इनका कबाड़ा बना दिया, कोशिश कर लो हो जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली तीन संख्याओं का औसत, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, मोस्ट टफेस्ट क्वेश्चन में गिने जाते हैं ये वाले क्वेश्चन, पहली तीन संख्याओं का औसत चौथी संख्या का दोगुना है, यदि यदि उन सभी संख्याओं का औसत 12 हो, यदि उन सभी संख्याओं का औसत 12 हो तो चौथी संख्या ज्ञात कीजिए, अब देखो मान लो हमारे पास चार संख्याएं हैं, कौन कौन सी ए बी सी और डी, कुछ भी मान सकते हो डब्ल्यू एक्स वाई जेड, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इन चारों में से पहली तीन संख्याएं कौन सी हैं ए बी सी, तो आप कह सकते हो कि ए प्लस बी प्लस सी का जो औसत है, अब औसत कितना 3, बराबर किसके है चौथी संख्या के दो गुने के, अब चौथी संख्या कितनी है डी है और इसका दो गुना कितना हो जाएगा 2D हो जाएगा, ठीक है, अगर मैं इनका योग निकालना चाहूं तो कैसे निकलेगा कि A प्लस B प्लस C बराबर किसके है
सिक्स डी के, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। अब एक की गुना तो कोई फर्क पड़ता नहीं, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आ गई, 6d। अब सेकंड लाइन पढ़ो क्वेश्चन की, क्या कह रहा है, यदि उन चारों संख्याओं का औसत 12 हो तो मैं कह सकता हूं कि a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बटे 4 बराबर कितना है, 12 है, क्योंकि औसत ही तो निकालते हैं इसे, अब औसत हमें दे रखा है, तो आप कह सकते हो कि a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर किसके होगी, 48 के होगी, होगी कि नहीं। अब हमें क्या निकालना है, चौथी संख्या निकालनी है। अब आपको पता है कि a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर कितना है, और a प्लस बी प्लस सी बराबर किसके है, 6d के है, तो अगर मैं इन तीनों को हटा के यहाँ पे क्या लिख दूं, 6d लिख दूं, तो तुम मुझे गलत नहीं कह सकते, क्यों, क्योंकि चाहे ये लिख दो चाहे ये लिख दो, दोनों बराबर है, क्योंकि a प्लस बी प्लस सी बराबर किसके है, 6d के है। अब 6d कहां तक आया, a प्लस बी प्लस सी के, अभी क्या बच गया, d बच गया, और बराबर किसके, 48 के, हमें क्या निकालना है, d निकालना है, पहले तो ये जुड़ जाएंगे कि 7d बराबर किसके, 48, हमें क्या निकालना है, d निकालना है, तो d बराबर किसके, ये गुना में है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 48/7। क्वेश्चन में अगर सोल्व करके दे रखा हो तो दे देना, फिलहाल आपका ऑप्शन यहीं तक है, ठीक है। सेकेंड सवाल लिखेंगे, यदि 6 क्रमिक सम संख्याओं का औसत, यदि 6 क्रमिक, क्रमिक का मतलब भी लगातार होता है, कंसेक्यूटिव सम संख्याओं का औसत 25 है, तो उनमें सबसे बड़ी, तो उनमें सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए, और आंसर देगा केवल हर्ष। अगर मुझे 10-15 मिनट मेरे समझाने का कुछ असर हुआ होगा तो आंसर आ जाएगा, नहीं तो बेकार है। संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए, वो भी इवन है, तो आपको एवरेज रखना है सेंटर में, जो कि कितना है, और 3 इधर और 3 इधर, ठीक है। संख्याएं कितनी है, 6 माइनस करना है 1, कितने रह जाएगा, 5, 25 और 5, और 25 में से 5 घटाओगे और 20, और 20 का अंतर कितना आएगा, ठीक है। मैंने बताया था कि अगर इवन और ओड वाला भी लग जाए तो हो जाएगा हमारा, नहीं आ रहा था ऐसे, तो 25 से एक कम, 25 से एक ज्यादा, अब ये 26 है तो ये 28 होगा, ये 30 होगा, ये 24 है तो ये 22 होगा, ये 20 होगा, तो 20 और 30 का अंतर कितना, 10 ही। दोनों तरीके से आपके हाथ में लड्डू थे, दोनों हाथों में, अब जैसे खाना चाहो खा सकते हो। नेक्स्ट सवाल, क्या लड्डू पसंद नहीं है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। 60 औसत वाली 4 संख्याओं में, 60 औसत वाली 4 संख्याओं में पहली संख्या बाद की तीनों संख्याओं के योग का, पहली संख्या बाद की तीनों संख्याओं के योग का 1/4 है, पहली संख्या ज्ञात कीजिए, पहली संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब उतना, जितना बड़ा सवाल देखने में लग रहा है ना,
उससे छोटा आंसर है। मेरा कहने का मतलब ये है, जैसे क्वेश्चन कह रहा है कि चार संख्याओं का औसत कितना है तो योग कितना होगा, बात क्लियर है। कह रहा है कि चार संख्याएं कौन कौन सी होंगी, पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी, या ए बी सी डी लिख लेते, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब उसने कहा है कि जो पहली संख्या है वो बाद की तीन संख्याओं का 1/4 है, मतलब अगर मुझे इनका रेशो बनाना हो तो मैं ऐसे बना सकता हूं कि पहली संख्या और दो तीन चार का जो रेशो बन रहा है वो कितना बन रहा है, 1:4 बन रहा है। यही तो कह रहा है कि जो पहली संख्या है वो बाद की तीनों संख्याओं का 1/4 है। तो भाई अंश जो होता है जिसकी तुलना करते हैं, हर वो होता है जिससे तुलना करते हैं, तो अंश कितना है 1 और हर कितना है बाद की तीनों संख्या यानी कि 4। अब मुझे बताओ इन चारों संख्याओं का अनुपातिक योग कितना हो गया, 5। क्वेश्चन ने योग कितना दे रखा है, 240, तो इस 5 की वैल्यू कितनी है, 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 48। भाई 5 4 20, 5 8 40, तुमसे क्या पूछा है, पहली संख्या बताओ, पहली संख्या का अनुपात कितना है और 1 की वैल्यू कितनी आ रही है, तो ये इसका आंसर है। तुमसे दूसरा क्वेश्चन इसमें ये पूछ लेता कि बाद की तीनों संख्याओं का औसत बताओ, तो तुम क्या करते, 240 में से 48 घटा देते, कितना बचता, शायद 192, 192/3 यानी कि 3 6 18 और 3 4 12 64 आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे और लिखते जाएंगे। एक्स संख्याओं का औसत वाई है, एक्स संख्याओं का औसत वाई है तथा वाई संख्याओं का औसत एक्स है। सभी संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। एक और लिखेंगे, एक्स संख्याओं का औसत वाई स्क्वायर है तथा वाई संख्याओं का औसत एक्स स्क्वायर है, तो सभी संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तीसरा सवाल लिखेंगे, तीनों एक ही थीम पे आधारित हैं। यदि m संख्याओं का औसत, यदि m संख्याओं का औसत n स्क्वायर हो तथा n संख्याओं का औसत, n संख्याओं का औसत m स्क्वायर हो, दूसरा और तीसरा सवाल तो सेम ही हो गए, बस वहां एक्स वाई है, यहां m n है, तो m प्लस n संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तब m प्लस n संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए, सेकंड और थर्ड सवाल तो सेम है बिल्कुल, क्योंकि वहां x और y है, यहां m और n आ रहे हैं बस। हैं? क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, संख्या की पहले बताओ, पहली लाइन क्या है कि x संख्या, ठीक है, औसत कितना है, योग क्या होता है, औसत गुना संख्या, औसत कितना दे रखा है, वाई दे रखा है ना, तो योग क्या होता है कि एक्स गुना वाई, क्या बन जाएगा, ये एक्स वाई बन जाएगा। सेम चीज उसने अपोजिट करके दे दी कि भाई वाई संख्या है और औसत कितना है, एक्स औसत है, तो ये भी तो योग वही आएगा कि एक्स वाई आएगा यहां पे भी। अब मुझे कह रहा है सभी संख्याओं का औसत बताओ, अब सभी संख्याओं का औसत कैसे निकालेंगे, कुल योग बटे कुल संख्याएं, अब कुल योग कितना है, पहली का एक्स वाई दूसरी का भी एक्स वाई, तो क्या बन जाएगा, एक्स वाई प्लस स्क्वायर, जब होता है जब गुना में होती, यहां पे प्लस में क्योंकि जोड़ रहे हैं हम, और किस किस का, पहली संख्या का और दूसरी संख्या का, तो एक्स प्लस वाई। अब एक्स वाई प्लस एक्स वाई कितना हो जाएगा, 2xy, और बट्टे में, अब ये सोल्व तो देखो हो नहीं सकते, यही छूट जाएंगे, ठीक है। बताओ क्या था इसमें, दूसरा बताओ सेम ऐसी है,
कि एक्स संख्याओं का औसत कितना है, वाई स्क्वायर, तो योग कितना होगा। अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, देखो दोनों की गुना हो जाएगी कि एक्स वाई स्क्वायर, वाई संख्याओं का औसत कितना है, एक्स स्क्वायर है, तो योग कितना हो जाएगा, वाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा। कह रहा है कुल संख्याओं का औसत बताओ, तो देखो यहां पे एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई एक्स स्क्वायर, ठीक है, बटे कितना है, एक्स प्लस वाई। अब इसमें से तो एक्स निकाल लो और इसमें से वाई कॉमन ले लो, तो हमने कॉमन क्या ले लिया, एक्स वाई। अब बचेगा क्या, इसमें एक्स बच जाएगा और इसमें क्या बच जाएगा, मतलब इसमें से देखो हमने क्या बचा, x प्लस, अब y प्लस x लिख दो या x प्लस y लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, और बटे नीचे भी कितना है, x प्लस y है, तो इस x प्लस y से x प्लस y खत्म, और बचा क्या हमारे पास, यही आ रहा है आंसर। सेम क्वेश्चन आपका m और n वाला है, बस यहाँ पे x और y थे, वहां पे m और n है, उसे अपने आप करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाँ एन एम आ जाए एम एन आ जाए वो ऑप्शन पे डिपेंड करेगा, दोनों आंसर सही है उसका, मैं बताता हूँ बस उसमें क्या है, x और y की जगह m और n ले रखे हैं उसने, बस तभी तो मैंने कहा था दूसरा और तीसरा प्रश्न तो सेम ही हो गए। नेक्स्ट सवाल लिखो, तीन संख्याओं का औसत 154 है, जितना मैं इस चैप्टर को खत्म करने की कोशिश कर रहा हूँ ना उतने सवाल दिख रहे हैं मुझे इसमें, मगर ये तुमसे हुए नहीं होंगे पक्के, और किसी ने पूछे नहीं तुम में से, तीन संख्याओं का औसत 154 है। अब देख लेना ये सारे सवाल तुम्हारे डाउट में आ रहे होंगे पक्के, अब मैच करते रहना। ये सवाल नंबर है तुम्हारा 15, तीन संख्याओं का औसत 154 है, पहली संख्या दूसरी से दोगुनी है, पहली संख्या दूसरी से दोगुनी है, और दूसरी संख्या तीसरी से दोगुनी है, तो पहली संख्या ज्ञात कीजिए, तीसरी से दोगुनी है, पहली संख्या दूसरी से दोगुनी और दूसरी संख्या तीसरी से दोगुनी, तो पहली संख्या बतानी है आपको। हाँ जी हो गया, क्वेश्चन बताना क्या है, तीन संख्याएं हैं, ये पहली है, ये दूसरी है, ये तीसरी है, मुझे नहीं पता कौन सी है, ठीक है आगे बताओ क्या कह रहा है, इन तीनों संख्याओं का औसत कितना है, 154, तो योग कितना होगा, 462 होगा कि नहीं, कि भाई ये तीन संख्याएं हैं जिनका योग कितना है, 462 है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि पहली संख्या दूसरी से दोगुनी और दूसरी संख्या तीसरी से दोगुनी, मैंने मान लिया भाई तीसरी संख्या थी एक, तो दूसरी संख्या कितनी होगी, दो होगी, क्योंकि क्या कह रहा है कि दूसरी संख्या जो है वो तीसरी से दोगुनी है और पहली संख्या दूसरी से भी दोगुनी है, अगर दूसरी दो है तो पहली कितनी हो जाएगी, चार, तो चार प्लस दो प्लस एक कितना हो जाएगा, सात, और सात की वैल्यू कितनी है, 462, तो 742, एक की वैल्यू कितनी आएगी, 66। हमसे पूछा है पहली संख्या बताओ, पहली संख्या कितनी मानी है तुमने, 4×24 का 4, 4×24 और 2, ठीक है, ये औसत से भी हो जाता शायद, 4×2 6 और 1×7, कि 7/3 की वैल्यू कितनी है, 154 है ना, तो ये काट लो, 7×2 14 और 1 की वैल्यू कितनी आ जाती, ये 22×66 हो जाता, किसकी बतानी थी, 4 की बतानी थी, ये ऐसे भी हो जाता, औसत से भी हो जाता, क्योंकि भाई हमारे अकॉर्डिंग योग कितना है 7 और औसत क्या होता है, योग बटे संख्या 7/3 और 7/3 की वैल्यू 154 है, 1 की वैल्यू आ जाती है। क्वेश्चन लिखो, तीन संख्याओं में, पहली संख्या दूसरी से दोगुनी, तथा तीसरी से आधी है,
यदि उन तीनों का औसत 56 हो, यदि उन तीनों का औसत 56 हो, क्या हो गया, छूट गया क्वेश्चन। तीन संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की दोगुनी तथा तीसरी की आधी हो और उन तीनों का औसत 56 हो तो तीनों संख्याएं बताइए, अलग अलग बतानी है तीनों। देखो इन संख्याओं को तुम कुछ भी मान सकते हो, बस कंडीशन मैच होनी चाहिए कि अगर उसने आधी कहा है तो आधी। तुम यहां पे ये भी कर सकते थे कि भाई जैसे ये 4-2-1 माना है मैंने, तो मैं क्या देता, यहां 2 है, यहां 4 है और यहां 8 है, अब भी क्वेश्चन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं कह देता यहां कितना है कि 3 है, यहां कितना हो जाता 6, यहां कितना हो जाता 12 हो जाता, तब भी हो जाएगा क्वेश्चन। मतलब कंडीशन सेम होनी चाहिए, कह रहा है कि भाई दूसरी दुगनी है और पहली उसकी भी दुगनी है, तो तीनों में सेम ही तो आ रहा है, तो तुम कुछ भी मान सकते हो, बस कंडीशन मैच होनी चाहिए आपकी। जैसे इस प्रश्न में देखो क्या कह रहा है, तीन संख्याएं हैं, ये लगा लो दिमाग अभी तुम, चलो लगा लो, 42 42। क्वेश्चन बताना क्या है, तो पहली संख्या दूसरी की दुगनी है, तो मान लो अगर हम कहते ये 1 है तो ये कितनी होगी, तथा तीसरी की आधी है तो ये भी कितनी होगी, अच्छा सॉरी तीसरी की आधी है ना तो 4, ठीक है, सबका औसत कितना हो जाएगा 7/3। क्वेश्चन ने कितना दिया है 56, तो 7/8 और 8 दिया, 1 की वैल्यू कितनी आ गई 24, यानी कि पहली संख्या तो है आपकी 48, दूसरी संख्या कितनी है और तीसरी संख्या कितनी है, ये है वो तीनों संख्याएं जो तुम्हें बहुत परेशान कर रही थी, कह रहा है मुझे तो गणित ही परेशान कर रहा। तीसरा सवाल, दस संख्याओं का औसत 30 है, दस संख्याओं का औसत 30, अभी तो साधारण प्रश्न वाले चल रहे हैं सारे सवाल तुम्हारे, जो साधारण प्रश्न में दे रखे हैं, वो शुरू के 25-30 सवाल हैं, उसमें फर्स्ट टाइप जो है ना इसकी, वो हमेशा परेशान करती है, ये इस किताब की सबसे बड़ी कमी है, जबकि शुरू में तो सबसे आसान क्वेश्चन रखने चाहिए ताकि बच्चे का रिदम बन जाए, ये शुरू में फंसा रहे हैं। दस संख्याओं का औसत 30 है, ये सारे प्रश्न विविध में डालने चाहिए, 30 है, यदि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए तो नया औसत ज्ञात कीजिए, एक सवाल और लिखो, 8 क्रमिक संख्याएं दी गई हैं, 8 क्रमिक संख्याएं दी गई हैं, यदि 8 क्रमिक संख्याएं दी गई हैं, यदि मध्य में आने वाली, यदि मध्य में आने वाली दो संख्याओं का औसत 6 है, तब 8 दी गई संख्याओं का औसत ज्ञात, नहीं 8 दी गई संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए, नेक्स्ट लिखो एक और, 5 संख्याओं में से, 5 संख्याओं में से पहली 4 संख्याओं का औसत, 5 संख्याओं में से
पहली चार संख्याओं का औसत पांचवी संख्या का दोगुना है, पांच संख्याओं में से पहली चार संख्याओं का औसत पांचवी संख्या का दोगुना है, यदि पांचों संख्याओं का औसत 27 है, यदि पांचों संख्याओं का औसत 27 है तो पांचवी संख्या बताइए। सेम क्वेश्चन है, कौन से की तरह है? एबीसीडी वाले की तरह है कि पहली तीन संख्याओं का औसत चौथी संख्या का तीन गुना दो गुना करके था, कुछ तीन गुना था शायद, है ना? तो सेम क्वेश्चन है बिल्कुल। नेक्स्ट, यस, पी क्यू और आर की औसत आयु, पी क्यू और आर की औसत आयु आर की आयु से पी क्यू और आर की औसत आयु आर की आयु से पांच वर्ष अधिक है, यदि पी और क्यू की आयु मिलाकर यदि पी और क्यू की आयु मिलाकर 39 वर्ष है तो आर की आयु ज्ञात कीजिए। कितने सवाल हो गए?